प्रदेश के साथ साथ कश्मीर में भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इसको विशेष तौर पर कहा जा सकता है कि इसके चलते कश्मीर पंडितों और हिंदुओं जो कि श्रीनगर और श्रीनगर से सटे जिलों में रहते हैं उनकी तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ये झांकी है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं भाग लेने वालों की संख्या जो है पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा है और यहाँ पे प्रशासन का भी पूरा बंदोबस्त जो है वो दिखा जा रहा है। अगर हम आपको साइड में दिखाएं तो पूरा आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों की संख्या जो है वो इस शोभा यात्रा को सिक्योरिटी कवर दे रही है। और इसमें विशेषकर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनकी एक अच्छी खासी संख्या इसमें जो है भाग ले रही है। और कहा जा सकता है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा का एक चकोर जो है वो बनाया गया है। दाएं बाएं जो आप देख सकते हैं कि इसमें CRPF जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है प्रोटेक्शन यहाँ पे इस शोभा यात्रा को दी जा रही है। निसंदेह एक कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा के बाद जो कि भाईचारे की एक मिसाल है उसके बाद ये ऐसी यात्राएं जो श्रीनगर समेत लाल चौक के बीचों बीच से निकलती है कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल जो मुस्लिम है उनके कॉपरेशन के बाद जो है निकलना संभव होता है। और जैसा कि यहाँ पे अभी हम लाल चौक के बीचों बीच है जो कि व्यवसाय केंद्र है और यहाँ से बीचों बीच जो यात्रा निकलती है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समुदाय की कॉपरेशन के बगैर जैसा कि प्रशासन भी बार बार कहती है कि कश्मीर में बार बार भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिलती है। और हालांकि अमरनाथ यात्रा सफलपूर्वक जो है वो पूरी हो गई है और कहा जा सकता है कि दूसरी मिसाल ऐसी शोभा यात्रा यहाँ पे देखने को मिल रही है। नरेश जमा TV9 भारतवर्ष श्रीनगर।